सीहोर जिले के रहटी थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को शनिवार को करीब 9:30 बजे गिरफ्तार किया था। सूत्रों की माने तो सुबह आरोपी युवक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वो मौका पाकर भागने में सफल हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों सहित अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। फरार आरोपी युवक बावड़िया कला का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा में मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा जिले भर में ऑपरेशन मुस्कान एवं साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस टीम कई जगह सर्चिंग एवं छापामार कार्यवाही करके आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। रेहटी थाना पुलिस ने भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुई नाबालिग गाँव को बरामद किया है। वहीं नाबालिग बालिका ने पूछताछ में दुष्कर्म की बात कहने पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया और आरोपी युवक को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, तभी मौका पाकर भागने में आरोपी सफल हो गया। वहीं बुधनी एसडीओपी एसएस पटेल ने कहा कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता है तो लगभग 3-4 पुलिस कर्मियों पर घाज गिर सकती है। अपराध धारा अंतर्गत 363, 366, 376 का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया था और जो अपहृत बालिका है उसको दस्तयाबी की गई थी उसके कब्जे से। उसके कथनानुसार उसको उसके विरुद्ध अपराध पाए जाने से उसको गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी को मेडिकल के लिए स्थानीय चिकित्सालय ले जाया जा रहा था और थाने में जब ले जाते समय थाना परिसर के बाहर गेट के पास उसने मौका पाते ही वो भाग गया, फरार हो गया। उसका पीछा किया, तलाश की, काफी अभी तक अभी नहीं मिला है और हमारी पार्टी तलाश कर रही है। आरोपी के जो कृत्य है उसको पूरी तरह अवगत कराया गया था कि आपको इस अपराध में गिरफ्तार करा दिया गया। उसके बाद आरोपी उसने उसका कानून का पालन नहीं किया और पुलिस की अभिरक्षा से वो जानबूझ के भागा है, फरार हुआ है। तदुपरांत उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 224 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हम शीघ्र ही दोनों ही प्रकरणों में गिरफ्तार करने आले पेश करेंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया है कि प्राथमिक जांच इसकी करें कि इसमें किसकी लापरवाही थी। तो मेरे द्वारा इस पूरे प्रकरण की इस संबंध में जांच की जा रही है कि किस किन किन कर्मचारियों का इसमें लापरवाही है और जिसके विरुद्ध भी ये गलती जो लापरवाही सिद्ध होगी उन पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नरसुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।